मैं शख्सी तौर पर कुछ तरीके बयान करना चाहती हूँ जो मैंने जिंदगी गुजारने के मुतालिक बरसों में सीखे हैं। जिंदगी जो रूह के फल के साथ होती है, मैं जी रही हूँ। मैंने ऐसे शख्स से शादी की है जो काफी अरसा कैद में रहा था, और हमने असल में उसकी कैद के दौरान शादी की थी। और उस अमल में मैंने ये सीखा कि अगर कोई फल है जिसकी एक मुद्दत से ख्वाहिशमंद थी, तो उसका बहुत कुछ खुदा के साथ ताल्लुक में से निकलता है। इकट्ठे वक्त गुजारना और उसके कलाम को चबाना और उसे अपनी जिंदगी बनने देना। लेकिन मैंने जो पाया वो ये है, अगर कोई फल है जिसके साथ मुझे वाकई मुश्किल पेश आ रही है, या मैं उसको अपनी जिंदगी में नहीं देख रही, या हालात है जहाँ मैं समझ रही हूँ मुझमें तहम्मुल नहीं है, मुझमें इत्मीनान नहीं है, और मैंने पाया कि हम खुदा से मांग सकते हैं और वो हमें इत्मीनान को मुंतखिब करने या शनाख्त के मौके फराहम करेगा, कि एक सूरत हाल या एक शख्स या एक चीज हमारा इत्मीनान चुराने की कोशिश कर रही है। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि खुदा हमें हमारी बर्दाश्त से ज्यादा कभी आजमाइश में नहीं डालता। चुनाचे इसका मतलब है कि अगर ऐसे हालात हैं जो हमें बेआराम होने या इत्मीनान में रहने को चैलेंज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर खुदा ने हमें पहले से ही लेस किया है, जिस चीज का हम सामना कर रहे हैं उसके लिए हम पहले से ही लेस हैं, और ये हैरान कुन है, क्योंकि वो एक अच्छा बाप है। ठीक है, हर एक अच्छी या कामिल नेमत बाप की तरफ से है, या आसमानी नूरों के बाप की तरफ से, नूरों के बाप की तरफ से आती है, और उसके बारे में मुझे ये पसंद है, क्योंकि अगर हालात मुश्किल हैं और जिस फल का मुझे एहसास है शायद मैं कुश्ती लड़ रही हूँ, लेकिन ये बार बार आती रहती है। ये सिर्फ इसलिए है कि खुदा जानता है कि आपके पास वो है जिसकी आपको जरूरत है। आपके पास आवाज है, आपके पास हर वो चीज है जिसकी आपको हालात या सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जरूरत है। और मैं बयान करूंगी, जैसे मैंने अपने शोहर की कैद का जिक्र किया था, कि मैंने वाकई मुश्किल वक्त गुजारा था। तीन चीजें, इत्मीनान, तहम्मुल और ईमानदारी के साथ। अब इससे मेरी मुराद है, मैं मायूस, फिक्रमंद और परेशान होना चाहती थी, क्योंकि उसके घर आने का इंतजार करते हुए मैं बहुत बेचैन थी। किसी वक्त हमें उसकी हकीकी दुनिया से आने की तैयारी में बहुत कुछ करना पड़ेगा, और कई ऐसे औकात थे जहां मुझे याद आया या मैंने खुद को पकड़ा, और जो भी था मुझे सब्र नहीं था। ठीक है, मैं मायूस थी, लोगों ने हमें जिस तरह जवाब दिया मैं उससे नाराज थी, हालांकि मैं जानती थी कि उसका यीशु से सामना हुआ है और खुदा ने उसकी जिंदगी को यकसर बदल दिया, और यूं मुझे उससे प्यार हो गया, क्योंकि मैंने उस आदमी को देखा जो वो बन चुका था और अब जो वो है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हमें अपनी शादी पर काम करने में बरसों लगे, जैसे कोई भी करेगा, लेकिन हमारे मामले में ठीक है, हमें मुश्किलात का सामना था, मुआशरे ने उस पर बहुत सी तोहमतें लगाई, जिसकी वजह से दुश्मन शैतान के लिए दरवाजा खुला रखना और उससे अलहदा होना आसान था, जो खुदा हमेशा है। ठीक है, चुनाचे इत्मीनान में ना रहने के लिए, ईमानदार होने की चाहत ना रखने के लिए, हम उस हकीकत में हार मानना चाहते थे। हम कहना चाहते थे, मैं ये नहीं कर सकती, आप जानते हैं ये बहुत मुश्किल है, या ऐ खुदा, हमें यकीन नहीं है कि तू कामयाबी का खुदा और वादों का खुदा बनने जा रहा है और तू हमारी मदद करेगा, क्योंकि मुआशरा कहना चाहता है नहीं, आपका शुक्रिया। और वो हकीकी है, वो हकीकी जिंदगी के हालात है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकती कि जो हो रहा था जब हमने उस पर गौर करना शुरू किया, तो हमें एहसास हुआ कि वो झूठ थे, कि हमें इत्मीनान हासिल हो सकता था, हम बर्दाश्त कर सकते थे, हम तहमुल कर सकते थे, हम इंतजार कर सकते थे, ये सब काम करेगा। और हमने कलाम मुकद्दस की तरफ रुजू किया और हवाला जा तलाश करना शुरू कर दिए, जो बरक्स कहते थे। ठीक है, जिन झूठों पर हम यकीन कर रहे थे या जिसने हम पर जाहिर किया था कि इत्मीनान क्या है, क्या तहमुल क्या है और बर्दाश्त क्या है, ईमानदारी कैसी दिखाई देती है, फिर इसने हमें एक नया नुक्ता नजर दिया, और हम उन चीजों का बुलंद ऐलान करने या एक दूसरे के लिए मुस्तकबिल की बुनियाद पर दुआ करने के काबिल हो गए। और इसने हमारे रवैयों को बदल दिया, इसने हमारे ख्यालात को बदल दिया, इसने खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात को बदल दिया, और अब इसने हमें ऐसी ही हालात में दूसरे लोगों से मोहब्बत रखने की इजाज़त दे दी है, क्योंकि हम वहाँ जा चुके हैं और हम समझ गए हैं कि क्या चीज काम नहीं करती। और अगरचे हकीकत में खुदा हमारे वास्ते वो बनने की कोशिश कर रहा है जो वो है,
और कलामे मुकद्दस में वो हमें उन लम्हात में किस चीज में बुलाने की कोशिश कर रहा है। ये इज़हार सानी के बारे में बात करता है जहाँ ये कहता है, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत के लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी हमारे बदन से जाहिर हो। मुझे मालूम है कि जिन औकात में सफर इजारसानी की जाती है, आपने या आपके खानदान ने उसका तजर्बा किया होगा, और मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कलामे मुकद्दस पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने महसूस किया गोया रूहुल कुद्स इस हकीकत को उजागर कर रहा है कि अगर तुम खुदावंद के साथ कुर्बत का इंतखाब कर लो तो जुल्म और सितम का सामना करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कलामे मुकद्दस इसके मुतालिक बात करता है कि हम उसके दुखों में शरीक हैं। पहला पत्रस 4:12-15 आयत तक, जब हम सताए जाते हैं बतौर मसीही ये मुतवक्के है, ये एक बरकत है। इसके बारे में इस तरह सोचना अजीब है, ये उल्ट और पसमांदा महसूस होता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। और मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहती हूँ क्योंकि जब आप हर तरफ से मुसीबत में होते हैं, जब आपकी हौसला शिकनी की जाती है, जब आपको हिलाया जाता है, अगर आपको सताया जाता है, अगर मामलात आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं चलते, या हकीकी जिंदगी के खतरा या मुखालफत है, तो ये कहना आसान होता है मैं यीशु का इनकार करता हूँ, मैं ये नहीं चाहता। मगर मैं आपको जो हौसला देना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि खुदा मजबूती कर रहा है और उससे जो फल आने वाला है वो खूबसूरत है, यानी सोचा जाए तो उस फल का कोई सानी नहीं है। एक दरख्त है और कलामे मुकद्दस पहले बीज की बात करता है, उसे मिट्टी में बोया जाना और मरना पड़ता है, उसे छुपाना पड़ता है, और फिर जब बीज मिट्टी के अंदर होता है तो इसकी बालियां निकलती हैं, जब उसे कोई नहीं देखता। जब ये ऐसी जगह होता है, आप जानते हैं, अगर आप इसके मुतालिक सोचें, अगर आप जेर जमी है, वहाँ तारीकी है, ये मुश्किल है, ये खौफनाक है, आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते, लेकिन ज्यादा से ज्यादा गजाई अज्जा हासिल करने के लिए ये अंधेरे में जरूरी है। आपको खुदा से वही मिलता है जिसकी आपको जरूरत है, तो ये एक जगह है जहाँ खुदा आपसे मिलेगा, कम नहीं बल्कि मेरा ईमान है बहुत ज्यादा।